गुड मॉर्निंग एवरी वन यू हैड योर साइकिल टेस्ट ऑन फ्राइडे फोरटीनथ ऑगस्ट एंड आपके जो टेस्ट हैं वो आप सबने बहुत अच्छे से करे हैं सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट और कंग्रेचुलेशन्स फॉर दैट एंड सम ऑफ यू हैव ओनली रिटन द आंसर्स फाइनल आंसर्स सो यू शुड नो दैट अगर सिर्फ आप एक फ़ाइनल आंसर लिख रहे हो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको पूरा प्रॉपर स्टेप करके दिखाना पड़ता है So uh, that was it. एंड सब्जेक्टिव टेस्ट का हमने डिस्कशन कर लिया था वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन प्रीवियस क्लास इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑल दो यू मस्ट हैव डन दैट दैट ऑल्सो गुड बट स्टिल इफ देर इज एनी मिस्टेक और एनी डाउट इट विल बी क्लियर फ्राम दिस डिस्कशन इन फ्राम टूडेज डिस्कशन दैट वेयर इज द मिस्टेक और वो आंसर अगर है तो वो क्यों होना चाहिए दैट आंसर लेट्स द क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू नेम्स क्लास ठीक है तो क्वेश्चन अभी जीरो इसका करेक्ट आंसर कैसे है अगर मैं किसी भी नंबर में से उसी नंबर को इट सेल्फ मीन इसी नंबर को माइनस कर दूं सपोज फिर से अगर हम चॉकलेट्स का टॉफी का अगर हम एग्जांपल लें आपके पास कुछ टॉफीज हैं और मैंने वो सारी की सारी टॉफ़ीज़ आपसे ले ली जितनी टॉफ़ीज़ थी उतनी ही टॉफ़ीज़ मैंने आपसे ले ली आपके पास कितनी टॉफ़ीज़ बची कुछ बचेगा नहीं ज़ीरो सो इट मीन्स एनी नंबर माइनस इट सेल्फ इज बेसिकली ज़ीरो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग इज़ अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ग्रुपिंग प्रॉपर्टी वाई इज़ दिस ग्रुपिंग प्रॉपर्टी इसको ग्रुपिंग प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं थर्टी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टी टू मल्टीप्लाइड बाई फोर्टी वन लिट्स चेक तो मेरे पास यही थ्री नंबर्स थे थर्टी सिक्स फिफ्टी टू एंड फोर्टी वन तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बिकॉज जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप सबको पता है हम सिर्फ दो नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं दिस इज़ फिफ्टी टू सो आई कैन राइट फिफ्टी टू क्या मैं थ्री नंबर्स को एक साथ लिख के मल्टीप्लाई कर सकती हूँ नॉट पॉसिबल हो ही नहीं सकता तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए सोचना पड़ेगा कि किस दो नंबर को मैं पहले मल्टीप्लाई करूं तो ऐसे केस में हम दो तरीके से कर सकते हैं हम सबसे पहले एक काम करेंगे जैसे मैंने किया थर्टी सिक्स एंड फिफ्टी टू को पहले मल्टीप्लाई कर दूंगी एंड जो आंसर आएगा उसको फिर मैं ये जो लास्ट नंबर है फोर्टी वन उससे मल्टीप्लाई करूँगी सो दिस इज़ बिकॉज थर्टी सिक्स मल्टीप्लाईड बाई फिफ़्टी टू इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया जो आंसर आएगा दोनों का इट मीन्स मैंने ब्रैकेट लगाया है मतलब है सबसे पहले मैं इनको करूँगी आंसर आने के बाद उस आंसर को फोर्टी वन से मल्टीप्लाई किया सो so मैंने ग्रुप कर दिया थर्टी सिक्स एंड फिफ्टी टू को सेकेंड वे क्या हो सकता है मैं बजाय ऐसा करने के मैं कर सकती हूँ फ़िफ्टी टू एंड फोर्टी वन को पहले मल्टीप्लाई कर दिया एंड जो आंसर आएगा उसको मैंने जो फर्स्ट नंबर है थर्टी सिक्स उससे मल्टीप्लाई किया है सो so, इस केस में मैंने ग्रुपिंग क्या करी है फिफ्टी टू एंड फोर्टी वन इन दोनों को ग्रुप किया है एक साथ एंड देन जो आंसर होगा हम थर्टी सिक्स से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सो बिकॉज हम अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग कर रहे हैं लेकिन आंसर हमारा हर केस में इक्वल आएगा सो दिस इज बेसिकली ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फोर्टी इंटू सिक्सटी फोर्टी इंटू सिक्सटी का आंसर कैसे आएगा हमने ये भी पढ़ा हुआ है जब भी हमारे किसी भी नंबर के लास्ट में ज़ीरो होता है सो so उसको मल्टीप्लाई करना इज़ वेरी इजी। हम क्या करते हैं ये जो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं दैट मीन्स फोर एंड सिक्स हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे व्हाट वी विल गेट फोर सिक्स ट्वेंटी फ़ोर तो ट्वेंटी फोर ये हो गया एंड बिकॉज लास्ट में टू जीरोज़ हैं सो आई कैन राइट पुट दीज टू जीरोज़ इन दी आंसर है ना लास्ट में वन ज़ीरो फोर्टी पे था वन जीरो सिक्सटी पे था तो टोटल तो कितने जीरोज़ हो गए टू जीरोज़ तो ये दोनों के दोनों जीरोज़ हम राइट साइड पर आंसर में लगा देंगे सो बेसिकली माई आंसर इज़ ट्वेंटी फोर हंड्रेड नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पर भी हमें प्रॉपर्टी का नेम देना है नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग इज एट मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी थ्री प्लस सेवेंटी एट इसको हमें मल्टीप्लाई करना है आप मल्टीप्लाई करेंगे कैसे ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑर्डर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नन ऑफ दीज तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी है कि एट को पहले हम हमने बाहर रखा सिक्सटी थ्री प्लस सेवेंटी एट किया फिर हमने एट मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी थ्री एंड एट इंटू सेवेंटी एट किया आंसर दोनों केस में इक्वल आया दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाई इज इट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी मेरे पास ये नंबर है एट मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी थ्री प्लस सेवनटी एट एज आई टोल्ड यू इस ब्रैकेट का मतलब है कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इट मीन सिक्सटी थ्री प्लस सेवेंटी एट करेंगे पहले एंड जो आंसर आएगा उसको हम ऐट से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड वे क्या हो सकता है कि मैं इस एट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं जैसे आप अपने बोदे पे टॉफ़ीज डिस्ट्रीब्यूट करते हो इट मीन्स आप सबको दे देते हो एक एक टॉफ़ी सब को हर चाइल्ड को हर टीचर को तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है अगर मैं इस एट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ सिक्सटी थ्री में भी और सेवेंटी एट में भी सो so, मैंने कैसे किया क्योंकि ये एट बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस पूरे ब्रैकेट के साथ इन सब के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है सो आई कैन डू एट मल्टीप्लाईड बाई सिक्सटी थ्री सबसे पहले मैंने ये मल्टीप्लाई किया प्लस एट मल्टीप्लाईड बाई सेवेंटी थ्री इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ब्रैकेट इधर है इसका मतलब पहले मैं ये सॉल्व करूँगी एंड जो आंसर्स आएंगे उनको प्लस करूँगी सो so इस तरीके से एट को क्योंकि सिक्सटी थ्री और सेवेंटी एट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेवेंटी एट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आई कैन से क्वेश्चन वॉज टू सेवन टू वन माइनस ब्लैंक इज इक्वल टू टू सेवन टू वन तो ये नंबर में से ऐसा क्या माइनस किया होगा कि ये नंबर चेंज ही नहीं हुआ एज इट इज है वही सेम चीज़ है कि मैं आपसे बोलूं आपके पास कुछ चॉकलेट्स थी सपोज करो फिफ्टी चॉकलेट्स थी आपने कितनी दी होंगी कि आपके पास फिफ्टी ही रह गई आपने कुछ दिया ही नहीं होगा तभी तो फिफ्टी रह जाएंगी कुछ भी नहीं दिया होगा इट मीन्स ज़ीरो तो किसी भी नंबर में से जब हम जीरो को माइनस करते हैं वी गेट दैट नंबर ओनली सो करेक्ट आंसर ज़ीरो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट एट इन एट सेवन थ्री एट ये क्वेश्चन है यहाँ पे ये नंबर जो है एट सेवन थ्री एट यहाँ पर एट टू टाइम्स आ रहा है लेकिन दोनों का दोनों एट का प्लेस अलग है डिजिट तो वही है एट बट दोनों का प्लेसेस अलग है एक का प्लेस है वंस प्लेस बिकॉज हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं सेकंड का प्लेस है थाउजेंड्स प्लेस बिकॉज अगर हम यहाँ पे इसको रीड करना स्टार्ट करें सो इट इज वंस देन टेन्स देन हंड्रेड देन थाउजेंड तो वंस एंड थाउजेंड्स प्लेस पर एट है तो इसकी प्लेस वैल्यूज कैसे होंगी और फिर उनका डिफरेंस डिफरेंस मीन्स माइनस करके क्या आंसर आएगा दैट शुड बी सेवन नाइन नाइन टू वी विल फाइंड हाउ वी गेट दैस्ट तो अभी मैंने यहाँ पे ये यह नंबर दोबारा से यहाँ लिख दिया है इसके प्लेसेस के अकॉर्डिंग डिजिट्स को वनस टेन्स हंड्रेड थाउजेंड सो एट थ्री सेवन एट एट की दो दो प्लेसेस हैं एक वंस प्लेस है एक थाउजेंड्स प्लेस है, है तो प्लेस वैल्यूज़ कैसे होंगी जो वंस प्लेस पर एट है वो ऑब्वियसली वन से मल्टीप्लाई होगा एंड आई विल गेट एट सिमिलरली जो थाउजेंड्स प्लेस पर जो एट है थाउजेंड प्लेस पर उसको हम वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट एट थाउजेंड ना इन दोनों का हमें डिफ्रेंस निकालना इट मीन्स आई हैव टू डू माइनस अब माइनस कैसे करेंगे अगेन माइनस करने के लिए सबसे पहले तो हम डिजिट्स को अरेंज करते हैं वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड में सो वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड मैंने एट थाउजेंड को अरेंज किया जीरो 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 एट फिर जो सेकेंड नंबर है जो वंस प्लेस का प्लेस वैल्यू है दैट इज़ एट ओनली उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा राइट right साइड पे ही लिखेंगे कोई और डिजिट है नहीं तो हमने सिर्फ इतना लिख दिया माइनस करेंगे अब माइनस कैसे किया जाता है यह हम सबको पता है ज़ीरो माइनस एट इज़ इट पॉसिबल नहीं है हायर प्लेस के पास जाएंगे ये हायर प्लेस है ये तो खुद ही ज़ीरो है फिर और हायर प्लेस के पास जाएंगे ये भी खुद जीरो है और हायर प्लेस के पास जाएंगे तो ये एट है ये अपना वन जो है वो इसको दे देगा और इसने जो वन दे दिया ये बेसिकली अब टेन बन जाएगा क्योंकि टेन का ग्रुप आया है इसके पास सिमिलरली ये टेन भी अपना एक टेन का ग्रुप इसको दे देगा और ये खुद जो है वो नाइन हो जाएगा बिकॉज इट इज इटसेल्फ अ ग्रुप तो ये भी टेन बन गया अभी लेकिन बोरो तो इसको चाहिए था सो तो ये टेन भी अपना एक ग्रुप वन ग्रुप इसको देगा एंड खुद नाइन बन जाएगा सो so ये खुद नाइन बन गया एंड यहाँ पे आया टेन सो नाउ टेन माइनस एट इज़ टू नाइन माइनस नथिंग कुछ भी नहीं है नाइन ही रहेगा सिमिलरली नाइन माइनस नथिंग अगेन कुछ भी नहीं है एंड सेवन माइनस नथिंग सेवन रहेगा सो माई आंसर इज बेसिकली सेवन नाइन नाइन टू करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट डिजिट नंबर यहाँ पे भी वो ही सेम चीज है लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर के बीच में क्या डिफरेंस होगा डिफरेंस मीन्स अगेन वी विल डू दी माइनस और माइनस करके हमें डिफरेंस पता चलता है बट ये लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा होगा एंड स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा होगा हाउ वी विल फाइंड दिस मैंने यहाँ पे लिखा है लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर कैसे कोई भी डिजिट नंबर अगर आपको निकालना है तो उसमें सब जगह नाइन नाइन पुट कर दो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड तो मैंने बिकॉज थ्री डिजिट नंबर है तो मैंने थ्री तीनों डिजिट्स को नाइन 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 लिख दिया सिमिलरली स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर अगर हमें निकालना होता है तो हाउ वी डू इट वन लिखो एंड जो बची हुई डिजिट्स हैं उनको जीरो जीरो बना दो सो इट इज़ बेसिकली हंड्रेड तो मुझे इन दोनों का माइनस करना है माइनस कैसे करेंगे जस्ट

अब ये टू आया कैसे प्री डिस्सेसर एंड सक्सेसर होते क्या हैं और उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे ऑब्वियसली माइनस करके करेंगे बट हमें अगर ये पता हो तो हम ईजीली माइनस करके पता कर सकते हैं कि ये टू आया कैसे तो अभी मेरे पास सपोज करो यहाँ पर कोई भी एक नंबर है उसका सक्सेसर उसके बाद आता है प्री उससे पहले आता है अब काउंटिंग में अगर मैं थर्टीन ले रही हूँ तो थर्टीन का सक्सेसर मतलब थर्टीन के बाद कौन सा नंबर आता है फोर्टीन आता है एंड प्री मतलब थर्टीन से पहले कौन सा नंबर आता है ट्वेल्व आता है तो अगर मैं इस सक्सेसर एंड प्री के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करूं इट मीन्स अगर मैं इनको माइनस करके देखूं तो वॉट आंसर आई विल गेट फोर माइनस टू इज़ टू वन माइनस वन इज़ ज़ीरो बेसिकली सो माई आंसर इज़ टू इट मीन्स जो भी सक्सेसर है या प्री डिसेसर है उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा टू होता है वी कैन टेक सम अदर एग्जाम्पल ऑल्सो सपोज करो फिफ्टी वन है फिफ्टी वन के बाद कौन सा नंबर आएगा फिफ्टी टू फिफ्टी वन से पहले कौन सा नंबर आएगा फिफ्टी सो अगेन फिर से अगर मैं फिफ्टी टू एंड फिफ्टी के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करती हूँ सो वॉट आई विल गेट टू माइनस जीरो इज़ टू एंड अगेन फाइव माइनस फाइव इज क्रॉस नथिंग फिर से टू आ गया सो सक्सेसर एंड प्री डिसेसर के बीच का जो डिफरेंस होता है इट मीन्स माइनस करके जो आंसर आता है दैट इज ऑलवेज आ टू नेक्स्ट वॉज इलेवेंथ क्वेश्चन नाइन एट वन वन मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर इज इ टू नाइन एट वन वन एंड ये फिल इन द ब्लैंक का करेक्ट आंसर है वन अभी करेक्ट आंसर वन कैसे हुआ ऑब्वियसली जब हम किसी भी नंबर का टेबल पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हो फोर वनज आर फोर इट मीन्स जब आप फोर को वन से मल्टीप्लाई करो तो आपको फोर मिल जा रहा है टू वनज आर टू आप टू को वन से मल्टीप्लाई करो तो आपको टू मिल जा रहा है किसी भी नंबर को जब हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट दैट नंबर ओनली हमें वही नंबर वापस मिल जाता है सो माई करेक्ट आंसर इज वन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज एस्टिमेट द डिफरेंस सेवनटी नाइन माइनस फोर्टी वन अब एस्टिमेट का क्या मतलब होता है आपको राउंड ऑफ़ करना होता है सेवनटी नाइन एंड फोर्टी वन को एंड देन आप उसका डिफरेंस निकालोगे इट मीन्स आप माइनस करो मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख दिए हैं सेवेंटी नाइन एंड फोटी वन सेवनटी नाइन को अगर मैं राउंड ऑफ़ करूँ आप राउंड ऑफ़ करते कैसे हैं सपोज़ करो मुझे राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेन करना है नियरेस्ट टेन पे राउंड ऑफ़ करना है मुझे तो ये वंस डिजिट है और ये टेंस डिजिट है कैसे राउंड ऑफ करते हैं जो भी राउंड ऑफ़ करना है उससे छोटी प्लेस की डिजिट को देखते हैं हम ये नाइन है फाइव से बिगर नंबर है बिगर दैन फाइव दैन फाइव जब भी ऐसा होता है तो हम जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं नियरेस्ट टेन को राउंड ऑफ़ कर रहे हैं तो हम इसको एक इंक्रीज़ कर देते हैं वन इंक्रीज़ हो जाता है और ये नंबर बन जाता है एट तो अब जो ये बेसिकली सेवेंटी नाइन है ये इसका राउंड ऑफ हो जाएगा एट ज़ीरो बाकी की डिजिट ज़ीरो हो जाती हैं सो so ये ज़ीरो हो जाएगा हट जाएगा एंड ये वन इंक्रीज़ हो जाएगा सो इट विल बिकम एट्टी नाउ सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फोर्टी वन को राउंड ऑफ करूं तो कैसे होगा वन फोर वही सेम चीज है नियरेस्ट टेन पे राउंड ऑफ करना है तो टेन को राउंड ऑफ करना उससे एक छोटा प्लेस कौन सा है लेस देन फाइव है लेस देन फाइव का मतलब क्या होगा टेंस डिजिट जो है वो एज इट इज रहेगी कोई चेंज नहीं होगा नो no चेंज तो अब क्या है नो no चेंज का मतलब है फोर ये फोर का फोर ही रहेगा एंड इसके बाद की सारी डिजिट्स क्या हो जाती हैं जीरो सो इट दिस नंबर विल बिकम फोर्टी राउंड ऑफ कर दिया हमने अब ये एस्टीमेट डिफरेंस निकालना हमें इसका मतलब हम हैं इन दोनों को माइनस करना है एस्टीमेट डिफरेंस सो इट विल बिकम एट्टी माइनस फोर्टी इज बेसिकली फोर्टी सो इट इट इज माई करेक्ट आंसर